भी कुछ बच्चे कूड़ा चुग रहे हैं। तो मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा कि एक मतलब हमारे जो वर्ग का एक जो वर्ग है मतलब वो इस शिक्षा से वंचित क्यों है। तो मैंने इनको अपने शिक्षा के लिए प्रेरित किया, इनके माँ बाप को, उनके घर गई, उनके माँ बाप से बोला कि भाई इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो फिर इनके माता पिता ने मेरे घर भेजा पढ़ाने के लिए, तो तब से मैं इनको पढ़ा रही हूँ। मतलब 8 महीने हो गए इनको पढ़ाते पढ़ाते। मैंने ये उनको ये बोला कि आजकल शिक्षा का बहुत महत्व है, उनको महत्व बताया पहले मैंने कि देखो मुझ पे विश्वास करो, एक बार मैं इन बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दूंगी, उनका भविष्य सुधारूंगी, इनका भविष्य कूड़े से हटकर कुछ अच्छा भविष्य बनाऊंगी। तो उनको विश्वास आया कि हाँ कुछ करेगी ये, कि हमारा नेट का साथ साथ चल रहा है और साथ साथ इन बच्चों को मतलब 4 से 7 पढ़ाते 3 घंटे, तो साथ साथ चलता रहता है। मतलब एजुकेशन जो है वो हर एक चीज़ का एक माध्यम है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों को समझा सकते हैं कि देश का भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं है। कि शिक्षा से क्या होता है, हमारे देश के व्यक्तित्व का विकास होता है, देश हमारे हमारा खुद का व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो भी शिक्षा से होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम बच्चों का भविष्य जब सुधारेंगे तो उसके लिए व्यक्तित्व की जरूरत होती है, जो वो शिक्षा से ही संभव होगा। लोगों का रिएक्शन बहुत नकारात्मक आता है कि तू ये क्या फालतू का काम कर रही है, तू ये भटकती फिर रही है। शुरुआत में तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बच्चे आ नहीं रहे थे, कोई बच्चा कि मैं हमें नहीं पढ़ना, हमें तो कूड़ा चुगना है, हमें तो ये करना है वो करना है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें देश का भविष्य बनना है तो पढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो मैंने बच्चों को प्रेरित किया पढ़ने के लिए। आज ये बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल जा रहे हैं और कुछ बच्चों के 88% मार्क्स भी आए हैं। इन बच्चों के लिए कौन सोचेगा अगर हम नहीं सोचेंगे, हम देश का भविष्य भी हैं, यूथ है, तो इनका भी तो कोई ना कोई सोचेगा। तो हमें मुझे लगता है कि मुझे इनका बारे में कुछ सोचना चाहिए और मैं इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके रहूँगी। जहाँ तक संभव होगा मैं इनको अपनी सैलरी से हर चीज़ से इनको अवेलेबल कराऊंगी, अपने पापा से पैसे लूंगी, लेकिन इनका भविष्य जरूर सुधारूंगी कि ये कूड़ा ना चुके देश का भविष्य बने, एक देश का एक भविष्य को आगे बढ़ाएं, कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो भी अमेरिका की तरह डेवलप कंट्री बने। मैं चाहती हूँ कि एक इनके लिए छोटा सा स्कूल बनाऊँ जहाँ पे इनको पानी की अच्छे से व्यवस्था हो, पढ़ाई हर चीज़ की व्यवस्था इनको अच्छे से अच्छी हो। PhD की तैयारी भी कर रही हूँ और PhD की तैयारी के साथ साथ इनको 3 घंटे पढ़ाती थी। के जनगणना के अनुसार 48 करोड़ महिलाओं में से 65% महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ाई लिखाई जानती नहीं हैं। इसके अलावा देश के 61 लाख बच्चों ने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा है। देश की करीब 15 से 17 साल की 17% लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल 9वीं क्लास के बाद जाना छोड़ देती हैं। ये सारी रिपोर्ट हमें ये बताती हैं कि आज हमारे देश की शिक्षा की स्थिति कैसी है। हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। प्रियंका एक ऐसा ही नाम है। प्रियंका न केवल इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य संवार रही हैं, बल्कि देश को एक संदेश भी दे रही हैं कि देश का भविष्य इन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।